माया नगरी मुंबई में बैठी उस सरदारनी की पुलिस को तलाश है जिसने नाबालिग लड़के लड़कियों को काम के लिए बुलाया। सरदारनी के एक बुलावे पर एक साथ 32 बच्चे ट्रेन में सवार होकर मुंबई जा रहे थे। इन बच्चों पर आरपीएफ के जवानों को शक हुआ तो उन्हें कटनी स्टेशन पर उतार लिया गया। पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। कटनी से होकर मुंबई जा रही आसनसोल एक्सप्रेस में नाबालिग बच्चों के एक समूह पर आरपीएफ जवानों को शक हुआ, जिसमें 18 लड़कियां और 14 लड़के शामिल थे। शक की बुनियाद पर आरपीएफ जवानों ने इन्हें कटनी स्टेशन पर उतार लिया, जिसके बाद स्थानीय कोतवाली को सूचना दी गई। पूछताछ में पता चला है कि ये बच्चे झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हें इन्हीं के गाँव की सरदारनी दीदी के नाम से जानी जाने वाली अनामिका हेमराम ने इन्हें काम के लिए मुंबई बुलाया है, जो कई माह से खुद मुंबई में रहती हैं। पुलिस इन बच्चों को उनके घर भेजने के साथ इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक आसनसोल से ट्रेन चलती है 1:23:21, उसमें कुछ सूचना थी कि कुछ बच्चे जो है ले जाए जा रहे हैं नाबालिग। तो एक सरप्राइज चेक था हमारा, मतलब जो है सिटी पुलिस और जीआरपी के साथ में, और सतना से भी कुछ स्टाफ हमारा आरपीएफ का आया हुआ था। वो चेकिंग के दौरान कुछ नाबालिग बच्चों और कुछ वैसे भी बच्चे उतारे गए हैं। एनजीओ को भी हमने बुला लिया है। अभी जो भी अभी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी नहीं, अभी जा रहे हैं, बोले मजदूरी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी नाबालिग भी हैं कुछ उसमें, तो नाबालिग बच्चों से मजदूरी करना वो भी एक प्रकार का अपराध है। तो एनजीओ के हमने बुला लिया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। हमें जानकारी आरपीएफ थाने के माध्यम से मिली थी कि एक आसनसोल 123161 नंबर ट्रेन से कुछ बच्चे संदिग्ध हालत में बिहार से और क्या बोलते मुंबई जा रहे हैं। ये सूचना हमको आरपीएफ थाने से मिली। हम जब हमको ये जानकारी मिली तो फिर हमने, चूंकि हमारा काम प्लेटफॉर्म पर ऐसे बच्चों के साथ जुड़कर, मतलब ऐसे बच्चों को ट्रैफिकिंग के में फंसे हुए बच्चों को सहायता देने का है, तो फिर हमने आरपीएफ थाने में टीआई सर के साथ एक टीम बनाई जिसमें जीआरपी थाने से भी थे, आरपीएफ थाने से हमारे कुछ जो स्टेक होल्डर, स्टेशन के सफाई कर्मचारी और कुली वेंडर्स, इनके साथ मिलकर एक टीम बनाई और पूरी ट्रेन को हमने का घेराव करके बच्चों को और ये जो आप देख रहे हैं सामने कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इनके साथ जो उचित संवैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।